दो जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और मेरठ शहर में सीएम का कार्यक्रम। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। कन्नौज दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव करेंगे बैठक। स्वर्गीय बृजेश पाल को अखिलेश यादव देंगे श्रद्धांजलि। आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, आज दोपहर 1 बजे खेरिया सिविल एसोसिएशन पहुंचे बृजेश पाठक। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के नामांकन में रहेंगे मौजूद। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बागपत दौरा, आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सागवान के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार। चुनावी प्रचार कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। सपा नेता रहे संजीव कटारिया समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की मौजूदगी में हुए शामिल बृजेश पाठक ने कहा, कन्नौज लोकसभा सीट पर मजबूत देने का काम करेंगे। अमेठी के काकवा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी ने कहा है वायनाड ही उनका परिवार, लेकिन हमने परिवार बदलते पहली बार देखा है। अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा आलाकमान का फैसला मानूंगा, पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ हुआ ओपन, 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक।